हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांश सोरावाली, और फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नए निर्माण के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में बीपीएससी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, छात्र बीपीएससी को लेकर मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बीपीएससी के 64वें बिहार लोक सेवा आयोग 64वें संयुक्त परीक्षा को लेकर फॉर्म भरा जा चुका है और छात्र इसके लिए एकदम तटस्थ हो चुके हैं कि इस बार किसी तरह से वो अपना बीपीएससी का परीक्षा निकाल सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन ये अपने सपना को पूरा कैसे करें, क्या उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त है, उस मार्गदर्शन जिस मार्गदर्शन के माध्यम से वो अपने सपनों का प्रोग्राम कर सकेंगे, अपने हौसलों को पंख दे सकेंगे, आपके इस सभी सवालों को हम अपने इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों का समाधान करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके सवालों का जवाब हमारे मुख्य अतिथि आप देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के स्टूडियो में पटना के आईएएस की तैयारी करने के लिए बेहतर संस्थान प्रोटेक्शन आईएएस के डायरेक्टर सर आप चंदन भी सॉरी जैसा कि आपने देखा अभी ये हमारे मुख्य अतिथि चंदन भी हमारे साथ मौजूद है, ये प्रोटेक्शन आईएएस के डायरेक्टर हैं और ये आज आपके सवालों का जवाब देंगे। प्रोटेक्शन आईएएस के डायरेक्टर जो कि बीपीएससी यूपीएससी संबंधित विभिन्न तरह की सिविल सेवाओं की तैयारी कराते हैं, इनके माध्यम से आपके विभिन्न तरह के सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा और आप कैसे बीपीएससी की तैयारी करें, सिविल सेवाओं में अपना भविष्य कैसे निर्धारित करें, इसके लेकर आज हम लोग करेंगे विशेष चर्चा। तो सबसे पहले नमस्कार चंदन जी, आपका स्वागत है। क्षमा चाहेंगे कि मैंने आपका नाम पहले कौन सा गड़बड़ कर दिया, पता है ऐसा। और तो सबसे पहले सर, बीपीएससी का 64वें संस्करण के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, रजिस्ट्रेशन की तिथि समाप्त हो चुकी है, पेमेंट वगैरह लगभग हो चुका है और फाइनल सर्विसिंग का एक दो दिन बाकी है। तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक आज जुड़ने वाले हैं, आपसे बीपीएससी से संबंधित सवाल जवाब करने वाले हैं। इसको लेकर सबसे पहले जो बीपीएससी के लेकर लोगों के मन में धारणाएं हैं कि बीपीएससी की तैयारी क्या है, कैसे की जाती है, तो कृपया बताएं हमें कि बीपीएससी की तैयारी के विभिन्न चरणों के बारे में आप हमको विस्तार से बताएं और परीक्षा के पैटर्न के बारे में। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा होती है ये मुख्यतः तीन चरण, पहले चरण को बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरण को बोला जाता है मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण को बोला जाता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, पहले चरण के अंदर जो होती है एक एग्जाम होती है प्राइमरी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, उसको 150 क्वेश्चन होते हैं और यह लगभग इसके अंदर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बिहार करेंट और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, एक्चुअली आज हम लोग बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि मेन्स एग्जाम उसके स्ट्रेटजी उसके बाद फिक्स करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी लाइव आऊँगा और छात्रों के साथ ज़्यादातर रूबरू होगा और जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो उनके उसमें रूबरू होगा। बट अभी मैं प्रीलिम्स का जो स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो प्रीलिम्स के अंदर 140 क्वेश्चन होते हैं, जो 140 क्वेश्चन जो है वो जीएस के अंदर कहते हैं हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ठीक है, साइंस सिविल्स होते हैं और उसके बाद करेंट अफेयर्स और इतिहास से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मैथ्स फ्रेस से रिलेटेड होते हैं, ब्रीथिंग से रिलेटेड वो 10 क्वेश्चन के अंदर ही होता है। सबसे बड़ी बात इस एग्जाम के अंदर सर निगेटिव मार्क्स नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, और निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे मैथ्स यहाँ पे आप का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं और जो ये है कट ऑफ मार्क्स जो था लास्ट ईयर का जो एग्जाम होता है वो जनरल 97 था और उसके रिस्पेक्टिवली जो थोड़ा कम होता है सब सारे। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि छोटे छोटे ऐसा नहीं हो कि हम लोग खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और एक आध लोग नंबर मिलता है, हम लोग स्पीच नहीं पाई, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑथेंटिक कोर्स को जानना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे बीपीएससी की तैयारी के लिए जैसा कि आपने भी बताया कि बीपीएससी जो है कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न विषयों को लेकर आपने उसका विभिन्न चरणों के बारे में बताया, उसके पैटर्न के बारे में बताया। तो बीपीएससी की तैयारी के लिए लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि वो किस विषय से अध्ययन करे, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है, कि कौन कौन से विषय के बारे में पुस्तकों के बारे में विषय की तैयारी के पुस्तकों के बारे में
है ना, तो एक उचित मार्गदर्शन देखिए होता क्या है ना कि ये जो बीपीएससी की तैयारी है और जो तैयारी होती है या तो उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट बीपीएससी के अंदर क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। तो आपको यहाँ पर जो प्रिपेयर करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आप फैक्ट को याद करके प्रीलिम्स को नहीं कर सकते, आपको फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को भी जानना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एनसीईआरटी स्तर से जो हम लोग ये कंसेप्ट की तैयारी करते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने कम टाइम में हम लोग कंसेप्ट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कंसेप्ट के अंदर जो कम सारे चीजें हैं जैसे कि जनरली लोग बोलते हैं सिक्स टू ट्वेल्थ एनसीईआरटी का, तो मैं इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को लेकर हर एक पॉइंट को लेकर हर एक सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर करें। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सबसे अधिक है, लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स के अंदर 42 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो हिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का भी यहाँ पे तीन सेक्शन होता है, पहला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंशिएंट, दूसरा जो होता है मिडिवल और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अलावा भी एक बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मॉडर्न जो हिस्ट्री है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक कंसेप्ट के लिए या फिर स्पेक्ट्रम की बुक या फिर आप बिपिन चंद की बुक आती है और ये प्लेटफॉर्म से इन दोनों को ले सकते हैं। साथ ही आप हमारे नोट्स पर भी रिलाई कर सकते हैं, हमारे नोट्स से भी आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर फैक्ट सिर्फ नहीं पढ़ना है, फैक्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के लिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बुक आती है रामचरण शर्मा की बुक जो कि ओरिएंट प्लेटफॉर्म से आती है, रामचरण शर्मा की बुक आती है। ठीक है, ओरिएंट प्लेटफॉर्म से आप उस बुक को लें और उस बुक को थोरली पढ़ें, उससे आपको कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप फैक्ट जो है कोई भी बुक आती है उस बुक से आप फैक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। फिर एक मेडिवल की जो बुक है, मेडिवल के अंदर आपको सतीश चंद की बुक लेनी है और सतीश चंद की बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो फैक्ट्स हैं वो आप कहीं से ऐड कर लें, कोई जो फैक्चुअल बुक आती है वहाँ से ऐड करें या फिर हमारे नोट्स से भी आप ऐड कर सकते हैं, हमारे नोट्स से भी आपको कई सारे सहायता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हिस्ट्री की बात। फिर आगे सवाल आ रहा है, अभी दरअसल हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, ये हैं विद्यांगना श्री, वो पूछ रहे हैं कि वो विद्यार्थी जिनके लगातार कोशिशों के बावजूद उनको सफलता नहीं मिलती, आप उनको कैसे तैयार करते हैं कि परीक्षा के लिए उन्हें आप कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको सफलता अगर नहीं मिल रही तो इसमें सबसे बड़ा जो आपकी कमी है वो है आपके प्रैक्टिस की कमी। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, जो टेस्ट सीरीज हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस जहां से नहीं आ रहे कुछ नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आप वैसे टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। वैसे टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आप क्या कीजिए कि एकदम एग्जाम के माहौल में उन टेस्ट सीरीज को दीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता की आपकी चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज है वो रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, या कोई भी आप किसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज कीजिए, लेकिन आप देखिए ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। पैटर्न ये चेंज हो गया है कि एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन आ रहे हैं, आई मीन उसको क्या कहूँ, 5 वो 6 ऑप्शन है, 5th ऑप्शन जो है उनमें उसमें क्या है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो 6 ऑप्शन है। तो इस तरीके का अगर कोई टेस्ट सीरीज आपको मिलता है तो आप उसको दीजिए, और बिल्कुल माहौल में अगर आप 20-25 टेस्ट अगर दे देंगे तो डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका डेफिनेटली वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चंदन जी, जैसा कि अभी हम लोग सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, आपने बताया था हिस्ट्री को लेके कि हिस्ट्री का बहुत महत्व है इसमें, जैसा कि देखते बिहार ऐसे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा है तो उसमें बिहार से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से संबंधित आपने बुक्स के बारे में बताया, तो क्या इसका कोई शॉर्टकट ऐसा कोई रास्ता है, हालांकि शॉर्टकट तो कोई भी माध्यम नहीं होता मतलब सफलता का, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि कम समय में कोई रामबाण हिस्ट्री को लेके तरह तरह के चीज़ों को लेके मतलब विषयों को लेके कोई ऐसा है क्या। देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप हमारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं आप उन स्टडी मटेरियल्स पे भी प्रीलिम्स के लिए रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए हमारे जो फूडर हैं, हमारे जो नोट्स हैं, उन नोट्स पे आप रिलाई कर सकते हैं, उन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, और उन नोट्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो हमने डिज़ाइन किया, स्पेशली डिज़ाइन किया है बीपीएससी के एग्जाम के लिए, तो आप उस नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका अभी सवाल बहुत सारा आ चुका है,
अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो सूरज जैन वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द पोस्ट अंडर बीपीएससी। कई सारे पोस्ट हैं इसके अंदर, इस बार तो आपको ये जो 64 थे इसमें कई कुछ पोस्ट नहीं भी दिए हैं, डीएसपी के पोस्ट होते हैं और कई सारे पोस्ट हैं इसके अंदर। तो आप तो पहले, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सूरज जी कि आप पहले एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दें, पोस्ट के ऊपर हम लोग किस, ये थोड़ी प्रॉब्लम है हम लोग के इस अंदर, ये प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट के ऊपर ध्यान देते, पोस्ट के ऊपर अभी आप ध्यान नहीं दें, पहले एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दें, प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें, पोस्ट तो आपको मिलेंगे ही। और से आप डीएफ वगैरह जब भरते हैं तो उसके बाद तो आपको पोस्ट वगैरह की जानकारी हो ही जाती है, बट अभी आप जो है एजुकेशनल सर्विसेज कई सर्विसेज हैं, बट आप पहले जो है आप इस एग्जाम को ध्यान दें, एग्जाम को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें। पोस्ट को लेकर थोड़ा सा हमारे बिहार के छात्रों में ये होता है कि उन्हें एक अधिकारी बनना है, वो सोचते हैं कि किस तरह के अधिकारी बनना है ना। और जैसा कि एक बार जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी आऊंगा तो मैं इस पूरे पोस्ट पे ही चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मेरा ये मोटो है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल मेरे पास भी है कि सर मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड जितना भी आज क्वेरीज है सर प्लीज आज उनको सॉल्व कर दिया जाए, तो मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करना चाह रहा हूँ आज, और पोस्ट से रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी मैं एक बार आऊंगा आपके चैनल पर, अगर आप लोग मुझे मौका दे दो है ना, तो मैं आऊंगा और फिर वहाँ पे चर्चा। हमारे साथ भी बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, आपकी बातों को सुनना चाह रहे हैं। और तो इसी दौरान श्वेता सिन्हा जुड़ी है हमारे बीच और वो पूछ रही है हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप क्या कीजिए श्वेता जी, आपको जुड़ने के लिए बिहार न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कीजिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, आपने अगर पहले तो आप ये देखिए कि आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जो बेसिक बुक्स हैं उनको लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी 11th क्लास की, ओनली 11th क्लास की ये हो जाएगा। फिर आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक लें, सिलेक्टिव उसको पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए आप संजीव वर्मा की बुक ले सकते हैं, या फिर आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा बुक है, थोड़ा सी मोटी बुक है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप हमारे नोट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं। और अगर इन सभी को पढ़ा हुआ है आपने तो एक बार आप टेस्ट सीरीज पर जरूर रिलाई करें, अगर आप एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज पर रिलाई कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चंदन जी, नॉर्मली जो बिहार के छात्र होते हैं स्नातक करने के बाद जिनके ख्वाहिश होता है बीपीएससी करने का, तो ज़्यादातर तो लोगों में विषय को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसा कि आपने देखा होगा आप तो एक संस्था चलाते हैं, तो जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि आर्ट्स वाले इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद यूँ ही कहें तो ग्रेजुएशन साइंस से करने वाले भी इसके प्रति रुचि रखते हैं, तो क्या साइंस या कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी की परीक्षा दी जा सकती है या उसकी तैयारी की जा सकती है? देखिए, इसका तो जीता जाता उदाहरण मैं खुद ही हूँ, मैं खुद सिलेक्ट हो चुका हूँ और पहले भी, और मैंने पीटी मेंस यूपीएससी के अंदर भी दिया हुआ है और मैंने बीटेक किया हुआ है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप आजकल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हो रहा है वो इंजीनियर लोगों का और मेडिकल के छात्रों का हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए, है होता क्या है कि अगर आपने ऐसा अगर ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज तो रहता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, रेशियो उनका ही ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हो सकता है सिलेक्शन हो सकता है। आप सही सोर्स पर रिलाई करें, आप रिविजन करें, बहुत सारा बुक्स को पढ़ने से बचें, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करें तो डेफिनेटली सिलेक्शन है। चंदन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सीबीएसई वाले या इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा मतलब सुना भी है कि जैसे यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो ज़्यादा सफल होते हैं, तो क्या यूपीएससी की तरह बीपीएससी में भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ज़्यादा सफल होते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीएससी के अंदर जो आपने बोला कि इंग्लिश मीडियम के छात्र ज़्यादा सफल होते, ये एक र्यूमर है, र्यूमर इसलिए है, हाँ र्यूमर है, डेफिनेटली ये र्यूमर है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स जो, देखिए यूपीएससी के अंदर पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, पीटी के अंदर दो सेक्शन होता है, एक जीएस और दूसरा सीसेट का, तो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र होते हैं ना वो सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाते, वहाँ पे 33% आपको सीसेट लाना पड़ता है, और मैंने एक, मेरे पास डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मेंस
के में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रीलिम्स में जो सीसेट वाला जो सेक्शन है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग आता है, वहीं पे वो छट जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले को लोगों का ही सिलेक्शन होता है। आपने सुना होगा आई थिंक 2013-14 में निशान जैन जी थे, उनका ऑल इंडिया 13th रैंक था हिंदी मीडियम से, लास्ट ईयर भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी 32 रैंक, 31 रैंक, 34 रैंक वैसे आए हैं हिंदी मीडियम से, हाँ हिंदी मीडियम से UPSC के अंदर, ठीक है। इस बार भी अनिरुद्ध जी का हमारे बिहार से ही है, 160 रैंक आया है हिंदी मीडियम से, भी जो हाल ही में जो रिजल्ट आया है तो उसमें भी मतलब ऐसे कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि BPSC में तो हिंदी मीडियम से ही ज़्यादा रिजल्ट है, और UPSC में भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है, बच्चे कम हैं, बच्चे हिंदी मीडियम से थोड़ा सा कम है, और वो जो हैं भी वो सीसेट का एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो मतलब BPSC में बच्चे कम है, थोड़ा सा हमको मतलब BPSC में नहीं हिंदी मीडियम में बच्चे, के बच्चे क्योंकि जैसा कि मजाक मजाक में ही मैंने कहीं पे पढ़ा भी है, कहीं पे सुना भी है, एक सोशल वीडियो मैंने देखा तो उसमें कहा मतलब BPSC के लेवल पर बना था, तो उसमें मैंने देखा कि कहते हैं कि बिहार में तो अपने बाप का भी सगा नहीं जो अपने BPSC का परीक्षा में नहीं बैठा, मतलब तो बिहार में तो ऐसे भी हिंदी मीडियम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बिहार हिंदी भाषी राज्य है। खैर चलिए, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत उनके सवालों का जवाब के लेके हम आपके बीच आ रहे हैं, सवालों को लेके आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़ी हैं कीर्ति सिंह, वो पूछ रहे व्हाट आर द ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द BPSC एग्जाम। देखिए ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर क्या है कि आप जो है ये देखिए, आप ऑनलाइन में बहुत सारे ये हैं, ठीक है, आप सभी के अंदर जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ करें जहाँ पे आपके लिए नेसेसरी हो, नहीं तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम खाने वाला, टाइम को जो है ना बर्बाद करने वाला ये एक ऐसा क्षेत्र आ गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बर्बाद करने वाला है, आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। जैसे कि अगर BPSC के लिए देखिएगा तो BPSC के लिए आप करेंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब मैगजीन पे रिलाई करते हैं तो होता है कि एक मंथ के बाद आता है, कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं बच्चों को या जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप करेंट के लिए तो डेफिनेटली आप किस पे रिलाई कीजिए, आप ये ऑनलाइन जो सोर्सेज है उस पे रिलाई कीजिए। मैं इसके लिए आपको एक सजेस्ट करता हूँ, ई दृष्टि एक ऐप आता है, या फिर आप ई दृष्टि गूगल के अंदर आप डालेंगे वेबसाइट तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा, या फिर आप कई सारे साइट्स हैं जहाँ पे कि करेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पे रिलाई करें। हाँ, आपको अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई इशूज़ हैं तो आप मुरनाल का वीडियो देख सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल मतलब YouTube पे बहुत सारी BPSC की तैयारी, मतलब ऑनलाइन तैयारी करने वालों की तो भरमार आ चुकी है, बहुत सारे क्लासेज आजकल YouTube पे चल रही हैं, तो इसमें BPSC वगैरह तो क्या वो कारगर नहीं साबित हो सकते? नहीं, देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन आपको उसका यूटिलाइज कैसे करना है अपने, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग हैं सबके पास 24 हैं। आप अगर देखेंगे तो करेंट अफेयर्स पे ही लगभग 100 YouTube चैनल्स हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही होंगे, मैं एक एग्जाम्पल सैंपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो आप 100 करेंट अफेयर्स के चैनल्स को देखें तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें और उससे को ही कंटिन्यूसली फॉलो करें, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को आप सिर्फ करते रह जाते हैं और आपका जो सिलेबस जो होता है वो छूट जाता है। तो आप कोई हर एक डेफिनेट सब्जेक्ट के लिए आप एक एक चैनल को आप चूज कर लें और उसके बाद उनको पढ़ें तो आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जिनके पास टाइम नहीं उनके लिए तो अभी है, अगर आप क्लासेस नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए तो रामबाण ही है ये, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। हमारे साथ शिवम झा जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या औसत दर्जे के जो छात्र होते हैं, जो मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, जो मतलब पढ़ने में सामान्य होते, तो वो तैयारी कर सकते हैं क्या, कैसे? देखिए जो औसत दर्जे के छात्र हैं ना उन्हीं का सिलेक्शन होता है BPSC UPSC में, ठीक है, और जो इंटेलिजेंट छात्र होते हैं ना उनका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पहले ही IIT मेडिकल्स में चले जाते हैं और रिसर्चर और साइंटिस्ट बनते हैं। यहाँ पे जो औसत दर्जे के छात्र हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। तो आप एक अंदर से एंथ्यू बनाए रखें, एनर्जी बनाए रखें, कॉन्स्टेंट सोर्सेज पर रिलाई करें, जो अच्छे सोर्सेज हैं उन्हीं पर रिलाई करें, बहुत ज़्यादा बुक्स पर नहीं जाएँ, अच्छे लोगों से जो इस फील्ड के जानकार लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए आ जाएंगे, तो जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, ऑथेंटिक आप ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसका यूज़ कीजिए और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए कोई आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो डेफिनेटली सिलेक्शन है, सिलेक्शन में कोई आपको ये रोक नहीं सकता है। चलिए
चंदन जी, हमारे लिए मतलब एक नॉर्मली जो कहते हैं बिहार के छात्रों के लिए या बीपीएससी के छात्रों के लिए जो सबसे बड़ा समस्या होता है विषय को चयन का लेके होता है, मतलब मेंस के लेके जो वैकल्पिक विषय का जो चयन होता है, तो मेंस के लिए वैकल्पिक विषय जो है उसका चयन हम कैसे करें? देखिए, मेंस के वैकल्पिक विषय का जो चुनाव होता है चयन करने की जो है, ये कई इसके पैमाने हैं। सबसे बड़ा जो पैमाना है वो फर्स्ट जो पैमाना है वो ये है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का चयन करें कि आपको किस सब्जेक्ट में अच्छा लग रहा है, किस सब्जेक्ट में आप कुछ पॉइंट्स आपके पास खुद से हैं, कुछ पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। दूसरा जो पैमाना है वो ये है कि आप सब्जेक्ट को ये देखें कि सब्जेक्ट स्टैटिक है या डायनेमिक है। पहला तो आपका जो सबसे फर्स्ट जो पैमाना है वो है आपका इंटरेस्ट। दूसरा पैमाना क्या है कि सब्जेक्ट हो दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक सब्जेक्ट, दूसरा डायनेमिक सब्जेक्ट। स्टैटिक इन द सेंस कि जो जिस सब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज नहीं होता है, और डायनेमिक जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, लेकिन डायनेमिक सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि आप पॉलिटी के अंदर देखते हैं कि कई सारे लॉज आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई एक, अगर आप अपने इच्छा अनुसार आप या तो स्टैटिक या डायनेमिक सब्जेक्ट को आप जा सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो सोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं कि नहीं। कुछ आपने ऐसे सब्जेक्ट ले लिया जिसका मार्केट के अंदर मटेरियल्स नहीं है, बुक्स नहीं है, तो दो तीन पैमाने हैं जिन पैमानों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इन पैमानों को जांच कर आप वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। पहला पैमाना तो हो गया आपका इंटरेस्ट, दूसरा सोर्स, और तीसरा जो हो गया कि आप स्टैटिक डायनेमिक लेना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम के टाइम में, मैं अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बताऊँ, एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि आपके पास टाइम काफ़ी कम होता है। अब उस समय कुछ क्या हुआ कि डायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग हो गया, तो अब उस चेंजिंग को आप अपने अंदर लाएँ, आप अपने अंदर एडजस्ट करें, तो क्या होता है कि टाइम और दूसरे बच्चे उस टाइम का यूटिलाइज दूसरे जगह अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने में कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं तीन पैमाने बताऊंगा जिस पे आप इनका सिलेक्शन कर। ये विषय के चयन को लेके हमारे बीच जुड़ी हैं नेहा गिरी, वो पूछ रहे हैं विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी फॉर बीपीएससी। देखिए, सब्जेक्ट तो सारे इजी हैं और सब्जेक्ट सारे टफ है, ये डिपेंड ये तो कंफ्यूजन लेकिन होता है सर। देखें, जैसा कि हमने भी देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों को वो सब्जेक्ट चयन करने को लेकर कुछ ज्यादा मतलब ये होते हैं कि मतलब कैसे करें, किस स्थिति में रहते हैं कि हम लोग। आप एक शिक्षक हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, एक संस्था के डायरेक्टर हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारे छात्र होंगे जो चयन को लेकर कन्फ्यूजन होंगे, तो उनके बीच में क्या आता है, आप उनको क्या बताते हैं कि मतलब कौन सा विषय ज्यादा उनके लिए आसान होगा? देखिए, सब्जेक्ट मैंने बोला ना कि सब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है जैसे कि आप इस बार देखें हमारे बिहार से यूपीएससी के अंदर फोर्थ रैंक लेकर आए हैं और उनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो मैथमेटिक ऑप्शनल से भी बच्चे फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, टेंथ रैंक लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर ही ज़्यादा सिलेक्शन होता है, बट हाँ ये है कि ट्रेडिशन यहाँ पे चल रहा है कि LSW जो सब्जेक्ट है बीपीएससी के अंदर, LSW है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर ही सिलेक्शन होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर सिलेक्शन ले सकते हैं, ये आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैटिक सब्जेक्ट को लेने का प्रयास करें। SK सावन आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, तो इसके सामने नहीं, ऑनलाइन तैयारी की अभी हम लोग ये कर रहे हैं, अभी सेटअप तैयार कर रहे हैं, अभी आई थिंक कि कुछ जल्दी ही ये ऑनलाइन तैयारी की जो है ना व्यवस्था हमारे यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, अभी तो नहीं। विद्यांगना श्री पूछ रही हैं, विद्यांगना श्री पूछ रहे हैं कि आजकल हर माता पिता को बहुत हड़बड़ी होती है कि उनके बच्चे जल्द से जल्द सफलता के शिखर को छू लें, तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? मतलब देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और इस प्रिपरेशन में तो सिविल सर्विसेज के जो प्रिपरेशन होता है इसके अंदर तो बिल्कुल ही शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपको डेफिनेटली कुछ जो सोर्सेज हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का जो आपका मेन्स है वो सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर देखिए इस एग्जाम का जो मूल मंत्र है उसको मैं ये वन वर्ड में अगर समराइज करना चाहूँ तो उत्कृष्ट उत्तर लेखन शैली। अगर आपकी शैली जो आंसर राइटिंग की जो आपकी कला है वो अच्छी है, आप अपने बातों को कम स्पेस लेकर अधिक से अधिक चीज़ों को आप अपने जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनके पास पहुँचा पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो वन वर्ड में जैसे उन्होंने पूछा, तो वन वर्ड में मैं यही बोलूँगा कि अच्छे तरीके से लिखें, और उत्कृष्ट उत्तर लेखन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
तो डेली प्रैक्टिस करें, आंसर लिखें, मेंस के टाइम डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत सारे मित्रों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा सा देरी हो जाती है, लेकिन मैं आपके प्रत्येक प्रश्नों को सर के बीच में रखूंगा, उनसे बातचीत के दौरान हम आपकी समस्याओं की बारे में चर्चा जरूर करेंगे। आपके प्रश्न मिल जाते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजहों से हम उन्हें देख भी नहीं पाते, जैसा कि नेटवर्क का ज़माना है, इंटरनेट की परेशानियों को आप भी समझते हैं, तो आप इसको लेके थोड़ा सा ये नहीं होइएगा। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मतलब विकास पुट्टू जी, ये पूछ रहे हैं एनसीईआरटी का बुक क्लास वाइज पढ़ना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज। देखिए एनसीईआरटी का बुक जो है ना, आप सब्जेक्ट वाइज करें। देखिए जो प्रिपरेशन का होता है ना, क्या कि आप क्लास वाइज करेंगे तो कुछ टॉपिक्स हुआ, फिर अगला टॉपिक, तो मेरा ये प्रश्न आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आप सब्जेक्ट वाइज करें, एक सब्जेक्ट को लें और उस सब्जेक्ट के सारे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th करेंगे, तो आपका एक बेसिक जो फ्रेम है वो फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज करें, ये बेनिफिशियल होगा मेरी तरफ से। और मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कर लें, और 11th, 12th की जो एनसीईआरटी है इसको बार बार आप क्या करें, रिवाइज करें, तो यह फायदेमंद रहेगा। ठीक है सर, ये करेंट अफेयर्स का एक अपना एक बहुत ही महत्व हो गया आजकल बीपीएससी के एग्जाम में, बैंक से भी ज्यादा मतलब करेंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, और तो ये करेंट अफेयर्स की तैयारी करने के क्या मतलब है, मतलब किस तरीके से उसको तैयारी किया जाए जो एकदम लोग एक्यूरेसी के साथ परीक्षा दे सके। डेफिनेटली करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और मैं करंट अफेयर्स के लिए आपको सजेशन देना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या होता है करंट अफेयर्स में, बच्चों को, लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन पे रिलाई करते हैं। मैगजीन पे आप जब तक रिलाई कीजिएगा आपको तब तक प्रॉब्लम होगा। आप डेली की जो घटनाएं हैं, जैसे हम लोग, अगर आपको भूख लगी हो और एक महीना में आप एक बार खूब खा लें तो आपका महीने भर की भूख तो आपकी समाप्त नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि करेंट अफेयर जो चीज़ है, मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान ये करता था कि डेली की जो घटनाएं हुई, इन सारी घटनाओं को आप अपने टाइम बना लीजिए, 9 PM, 10 PM या मॉर्निंग में। जैसे मैं मॉर्निंग उठने के बाद, मैं डेली अभी भी पढ़ाने के क्रम में भी मैं डेली द हिंदू पढ़ता हूँ, द हिंदू पढ़ने के बाद ही मैं कहीं पे निकलता हूँ और अपने उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करता हूँ। तो आप द हिंदू नहीं भी पढ़ें तो द हिंदू हैं, आपको द इंडियन एक्सप्रेस हैं, जनसत्ता है, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, इन आप डेली अगर पढ़ेंगे ना तो करंट अफेयर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। आप मैगजीन पर रिलाई करेंगे प्रॉब्लम होना ही होना है। और इसके साथ एडिटोरियल पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, संपादकीय जो पेज आता है इसको डेफिनेटली पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स बहुत आसान हो जाएगा। यूँ कहें तो रोजाना न्यूज़पेपर की आदत आपको करंट अफेयर्स का विद्वान बना सकता है, आप उसके एक अच्छे जानकार हो सकते हैं, और उसके आप संपादकीय पृष्ठ को भी पढ़े, जैसा कि हमारे बीच चंदन सर मौजूद है वो बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, वो अपना सवाल लगातार पूछ रहे हैं, आपके सवालों का स्वागत है। आप भी अपने सवालों को, अपनी परेशानियों को सर के साथ शेयर कर सकते हैं। ये परफेक्शन IAS के डायरेक्टर चंदन प्रिय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं। जैसा कि चंदन जी, आज हमारे साथ बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल कर रहे हैं, जिसमें इसके सावन जी फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि पीटी एग्जाम्स के बुक के बारे में बताएं, पीटी एग्जाम्स के लिए जो बुक्स हैं। देखिए मैं पीटी एग्जाम्स के लिए आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अभी जो बुक्स बताया आपको, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इनको अगर अभी तक आपने पढ़ा हुआ है तभी दोबारा पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप दोबारा उसको नहीं पढ़िए, तब उनको फर्स्ट टाइम उसको पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए। उस स्थिति में आप नोट्स पर रिलाई करें। अगर पढ़ा हुआ है आपने, जो मैंने बुक्स आपको बताया, रामशरण शर्मा की या महेश भरणवाल की या फिर आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स बताया, आपने पढ़ा हुआ है तो दोबारा उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को जरूर बनाएं, क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें मिस कर जाती है, हमारे डेड सेल में पड़ी रहती हैं। तो पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज को लगाएं लेकिन डेफिनेटली टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, ये फायदा करेगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन दिलाएगा। संदीप डे हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम इज इनफ फॉर BPSC। देखिए पूरे चरण के परीक्षा के लिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चरण के एग्जाम के लिए जो 1 ईयर का जो टाइम स्पेन है ये सफिशियंट है, और 1 ईयर से थोड़ा अगर ज़्यादा भी ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब आपको जैसे पीटी के लिए 6 महीने लगते हैं, और पीटी के पहले अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है तो मेंस में आप 6 महीने, 4-5 महीने अगर आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो वो सफिशियंट होता है, और फिर इंटरव्यू के लिए 2-3 महीने का जो टाइम स्पेन होता है वो सफिशियंट होता है। तो आपका ये पूरा 1 ईयर एंड 1.5 ईयर का जो टाइम स्पेन है ये सफिशियंट है प्रिपरेशन के लिए।
तो यूँ कह सकते हैं कि आप जो टाइम की बात करते हैं, टाइम एक दिन में जो छात्र पढ़ते हैं या तो वो मतलब कितना समय कितना घंटा दें, वो भी एक तरह से लोअर बीच में होता है। आप बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं, ये हमेशा मेरे पास ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा आते रहता है कि सर कितने देर पढ़ें, कितना महीना पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर अच्छे तरीके से देखें पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय फिर आप फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह नहीं चला रहे हैं, देन 8 आवर्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, 8 आवर्स अगर आप डेली कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। अगर ऐसे बैठ के आप 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं, 15 घंटे ही पढ़ रहे हैं और दिमाग आपका कहीं डेविएटेड है तो अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो 6 घंटे से 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ ले रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जिन बहुत सारे लोग 8 घंटे रेगुलरली, किसी एक दिन 15 घंटे पढ़ लेना और फिर अगले दिन सोए रहना, ये फिर कोई बात की चीज़ नहीं हुई। आप डेली रेगुलर वे में आप 6 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं तो वो भी आपके सिलेक्शन की ओर आप जा रहे हैं, लेकिन वही एक दिन पढ़ रहे इरेगुलर वे में तो फिर फायदेमंद नहीं। तो क्या सर जॉब में रहते हुए बीपीएससी की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल, ये बहुत बहुत मेरे सामने आई थिंक ये 100 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुके हैं। वही दरअसल ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा कि एकदम अगर पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो जाए, तैयारी पर हम लग जाए तो भी है सो मतलब 8 घंटा देना होगा। तो एक जॉब करने वाले इंसान के लिए ये तो शायद कह सकते संभव नहीं है, नहीं तो वो 8 घंटा काम करता है। हमारे यहाँ से अभी एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है जिनका नाम है सत्यम कुमार। ठीक है, उनका 1295 रैंक आया है कुमार सत्यम जी का। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई दे दूँ सत्यम जी को, और उनको एडुकेशनल सर्विसेज मिले हैं। लेकिन देखिए मैं बताऊँ कि सत्यम जी और उसमें भी बैंक में वो कार्यरत थे, वो बैंक में कार्यरत होने के बावजूद वो मॉर्निंग में वो क्लास करते थे हमारे यहाँ, और 7 to 10 जो बैच था उसमें वो थोड़ा सा पहले निकल जाते थे, क्लास करते थे, फिर आने के बाद फिर वो 4-5 घंटे घर पे मेहनत कर लेते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जॉब में रहने के बाद क्यों नहीं सिलेक्शन हो सकता है, डेडिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका डेडिकेशन है तो आप 5 घंटे किसी न किसी तरीके से निकाल लीजिएगा। मैं अभी तो अपनी संस्था पटना में भी आ गई, मेरी पहली हमने जो शुरुआत की थी वो हाजीपुर से की थी, तो हमारे एक छात्र थे जितेंद्र जी, उनका नाम है, मेरे द्वितीय मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के 2nd छात्र हैं। मैं बताऊँ कि यहाँ पर वो ESIC में पटना में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। वो मॉर्निंग में 5-6 बजे हमारे घर पे चले आते थे 6 बजे, और उसके बाद वो 8:30 बजे तक क्लासेस करके फिर वो पटना आते थे, पटना से ऑफिस करके फिर घर जाते थे, और उसके बाद उनका इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया बट उन्होंने PT मेंस निकाला। तो मतलब कहने का ये है कि सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब में रहते हुए भी सिलेक्शन होगा, डेडिकेशन चाहिए। उनका हमने उन लोगों का डेडिकेशन देखा कि कुछ भी हो जाए, फैमिली कई सारे इशूज हैं, जबकि उन सभी लोग मैरिड लोग थे, शादी हो चुकी थी, लेकिन क्लासेस नहीं, कुछ भी हुआ क्लासेज उन्होंने ये नहीं। यूं कहें तो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।